खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और हमारे R9 टीवी को सब्सक्राइब करें। राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार पर निशाना साधा और इसके बाद में पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री का कांग्रेस पर हमला सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलना बंद करे, कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है, कर्ज माफी जैसे झूठे वादे करना बंद करे कांग्रेस, NPR से गरीब की पहचान होती है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विपक्षी दलों को NRC या फिर NPR को लेकर के या फिर CAA को लेकर के गुमराह करने का आरोप लगाती रही है, आज जब राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर प्रहार किया इन तमाम चीजों को लेकर के, तो फिर प्रकाश जावड़ेकर ने, हालांकि इससे पहले अमित शाह ने राहुल पर प्रहार किया था और अब प्रकाश जावड़ेकर ने कुछ इस अंदाज में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। तो प्रकाश जावड़ेकर ने अब से थोड़ी देर पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों पर निशाना साधा, लेकिन प्रमुखता से कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है और जिस किस्म के आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती है वो बेबुनियाद है, कर्ज माफी जैसे झूठे वादे कांग्रेस पार्टी करती है लेकिन उसे चुनाव जीतने के बाद में पूरा नहीं करती है। NPR से सिर्फ गरीबों की पहचान और लोगों की पहचान होगी, इससे NRC का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी जो झूठ परोस रही है उस झूठ को बंद करें।